हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल पर प्रहार में मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं कुछ जानकारी लेके आया हूं और साथ ही आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो कि डेफिनेटली आपके काम आएंगी आप लोगों को हेल्प करेंगी और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ जिन लोगों को अभी तक भी नहीं पता है आज शाम को छह बजे कानूनी सोच चैनल पर मैं लाइव आ रहा हूं जो भी व्यक्ति अपने प्रश्न पूछना चाहे वो वहां पर अपने प्रश्न पूछ सकता है इसके लिए दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कानूनी सोच का लिंक मिल जाएगा या आप पर कानूनी सोच को सर्च करके भी वहां जा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही लाइव ऑन हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में ही कुछ समझाने वाला हूं देखिए दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं सबसे पहले हम सब ह्यूमन हैं हम सब इंसान हैं तो आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं इसी दृष्टिकोण से समझाना चाहता हूं अब दोस्तों हम इंसान हैं तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि हमें इतनी क्षमता है कि हम चीजों को सोच सकें समझ सकें अपना अच्छा बुरा देख सकें पर दोस्तों हम ऐसा नहीं करते हम जो हमारी पावर है सोचने समझने की उसको गलत तरीके से यूज करते हैं सही डायरेक्शन में उस पावर का यूज नहीं करते और बस जस्ट रिएक्ट करते रहते हैं या फिर दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा यदि आप कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं और आपका उद्देश्य यह है कि मैं सामने वाले को छोड़ूंगा नहीं मैं उसे बर्बाद कर दूंगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा या अला फला और केवल इस वजह से अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए आप दूसरे के ऊपर केस करते हैं तो यह पूरे तरीके से गलत है देखिए दोस्तों जब आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपका भी नुकसान तय होता है कम हो ज़्यादा हो, होगा जरूर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि केवल एक ही पार्टी का नुकसान हो दूसरी पार्टी का कोई नुकसान ही ना हो तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यदि भाई आपके कोई राइट मार रहा है तो उस राइट को पाने के लिए यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसको सजा दिलाने के लिए यदि आपके साथ अपराध हुआ है तो उस अपराध के खिलाफ जाने के लिए आपको लीगल कानूनी कार्यवाही में निश्चित रूप से जाना चाहिए लेकिन केवल अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए या फिर इस टेंडेंसी के साथ कि मैं दूसरे को सबक सिखाऊंगा छोड़ूंगा नहीं बर्बाद कर दूंगा लाइक दिस ये सारी चीजें सोचते हुए यदि आप कानूनी में जा रहे हैं तो इसमें केवल उस व्यक्ति के साथ साथ आप अपना भी नुकसान करेंगे क्योंकि चार केस आप डालोगे तो सामने से दो केस वो भी डालेगा टोटल हो जाएंगे छह केस और छह केस को लड़ते लड़ते आप दोनों की पूरी जिंदगी निकल जाएगी दोनों पार्टी उसमें उलझ के रह जाएंगी तो दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं है तो कानूनी कार्यवाही में जाए लेकिन एक लॉजिक के साथ जाए दूसरा दोस्तों आज के समय पे ना एक टेंडेंसी थोड़ा सा अलग हो गई है देखिए दोस्तों ईश्वर ने हम लोगों को, को यहाँ पे भेजा अब हमारा काम क्या है कि भाई हम सबसे पहले तो हमारे माँ बाप होते हैं उनकी सेवा करें अच्छे से जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद जॉब वगैरह ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छा सा करियर अपना बनाएं करियर बना लिया उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड्स में मेहनत करें किसी का बिजनेस है तो उसमें किसी का प्रोफेशन है तो उसमें ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकें अब दोस्तों लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना है कि इतना ही मोटिव नहीं है क्योंकि ठीक है चलो हमने लिविंग स्टैंडर्ड भी दे दिया उसके बाद फिर उसके बाद बच्चों की शादी कर दो फिर उनके बच्चे हो जाएंगे फिर उनको खिला लो जीवन पता नहीं कब खत्म हो जाएगा इसी बीच किस स्टेज पे आकर के जरूरी नहीं है आप ये सारी चीजें पार भी कर पाओ पता नहीं बीच में ही ब्रेक लग जाए तो दोस्तों बहुत छोटा सा सीमित जीवन आपको मिलता है अब दोस्तों किसी ने अगर इतना सा जान लिया ना कि सीमित जीवन उसको ईश्वर ने किस लिए दिया है तो वो सारे झंझटों से बाहर आ जाएगा लेकिन आदमी इस तरफ सोचने की कोशिश भी नहीं करता इस तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करता वो ध्यान ही नहीं देता इस पहलू पे कि एक्चुअल में कभी सोचो बैठ के मतलब छोटा बच्चा होता है ना वो हमसे ज्यादा सोचता है मुझे ध्यान दे जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने माता पिता से क्वेश्चन करता था कि दिन होता है फिर रात हो जाती है रात होती है फिर दिन हो जाता है ऐसी रोज होता है लेकिन जब दिन भी नहीं थी जब रात भी नहीं था जब आकाश भी नहीं था जब सूरज भी नहीं था चंद्रमा भी नहीं था पृथ्वी भी नहीं था तो क्या होता होगा तो उसका एग्जैक्ट जवाब मेरे फादर और मदर किसी के पास नहीं होता था तो एक बार एक धर्म ग्रंथ वहां पे पढ़ा था उसमें अंदर एक फोटो बनी हुई थी ब्रह्मांड की तो मेरे फादर को याद आया कुछ और उन्होंने वो फोटो मुझे दिखाई बोला तब ये था ऐसा था लेकिन तब भी मैं संतुष्ट नहीं था तो मेरे जस्ट कहने का मतलब ये है कि हमसे ज्यादा बुद्धि वो एक बच्चा यूज करता है जो छोटा सा होता है ना वो इन सारी तरफ ध्यान देता है लेकिन हम इतने बड़े होके हम इतने ज्यादा फंस जाते हैं अपने काम धंधों में इधर उधर की चीजों में कि हम ये भूल ही जाते हैं कि ये जो जीवन दिया गया है ये किस वजह से दिया गया है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रुपए इकट्ठे करने के चक्कर में बहुत बड़ी चीज छोड़ रहे हो वास्तविकता यही है तो दोस्तों क्या हम सही कर रहे हैं दोस्तों हम कबाड़ इकट्ठा करने के चक्कर में सोना छोड़ रहे हैं यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी चीज हम मिस कर रहे हैं जो कि इस मूल जीवन का उद्देश्य है जिधर आपको जाना चाहिए लेकिन उधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा तो हमें उधर ध्यान ले जाना चाहिए अब देखिए क्यों हमारे अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि जब हम दुख में होते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम उस ईश्वर के सामने रोते हैं जबकि हम में से अधिकतर लोगों ने ईश्वर को देखा ही नहीं है हम केवल एक विश्वास पे एक आस्था पे अपने अपने धर्म के अनुसार उस ईश्वर को याद करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर खोजी भी होते हैं जो ईश्वर को खोजते हैं दोस्तों ये जो टेंडेंसी है ना ये आपके अंदर नेचुरल है ये टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि वास्तविकता यही है कि अगर हम यहां पर आए हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम उस ईश्वर की खोज में उस ईश्वर की प्राप्ति में अपनी सारी चीजों को लगाया हैं, हैं, तो तो और ये है भी नहीं क्या किसी को पता है? सुना सुनी सुनाई बातें हैं अपने अपने धर्मों के अनुसार हम अपनी अपनी बातें कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली किसी को नहीं पता है कि सच्चाई क्या है तो दोस्तों क्या हम इस सच्चाई की खोज कर सकते हैं वास्तविकता यह है कि यदि आप इस सच्चाई की खोज कर लेते हैं तो फिर आपके सामने कोई भी परेशानी नहीं रहती आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं फिर दोस्तों आपको बादशाहत मिल जाती है मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं देखिए एक राजा हुआ करता था तो राजपाट उसके पास सब कुछ हर तरह का तमाम सुख सुविधा उसके पास लेकिन दोस्तों उसके मन में एक इच्छा उठी कि हम यहां पे है क्यों मतलब वही दिन हो रहा है रात हो रहा है सब कुछ गुजर रहा है सब कुछ है हम यहां पे है क्यों तो उस राजा ने उस ईश्वर को खोजने की सोची अब ईश्वर को कैसे खोजें भाई हम तो अपने अपने हिसाब से जो कुछ भी करते हैं लेकिन ईश्वर वास्तव में तो किसी को मिलता नहीं तो वो किसी संत के पास गए और वो उस संत के पास रहने लगे बोले जी मेरे को जो ऐसी ऐसी चाह है आप मुझे रास्ता दिखाएं अब वो उनके पास बहुत समय गुजारते गए गुजारते गए और उन संत ने उन्हें अपने तरीके से तराशा और एक समय ऐसा आया कि उनको ईश्वर की प्राप्ति भी हो गई कहाँ ईश्वर की प्राप्ति हुई अपने अंदर क्योंकि वो बाहर तो है नहीं अब जब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो एक बार जब वो अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट करके उस ईश्वर के दर्शन करके वापसी जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी थी और वो नदी के किनारे बैठ गए तो उनका मंत्री वहां से जा रहा था उसने देख लिया उसने पहचान लिया कि भाई ये तो राजा है तो वो राजा के पास गए और उस राजा को बोलते हैं कि भाई ऐसा है तुम्हारा राज्य है इतने सालों से खाली पड़ा हुआ और वो सिंहासन खाली पड़ा है हम आपकी वेट कर रहे हैं आप आइए और अपने राजपाट को संभालिए तो उस राजा ने पता क्या किया उसके पास एक सुई थी उसने वो सुई नदी में डाल दी अब उसने बोला मंत्री क्या तुम इस सुई को वापस निकाल सकते हो तो मंत्री ने कहा यह तो नामुमकिन है लेकिन राजा ने जरा सा इशारा करा तो एक मछली उस सुई को लेकर के ऊपर आ गई तो राजा ने कहा देखो पहली मेरी बादशाहत केवल उस राज्य पे चलती थी आज पूरी दुनिया पर मेरी बादशाह चलती है यह छोटा सा जीव है इसने भी मेरा हुक्म मान लिया तो दोस्तों ये ताकत आपको मिल जाती है और यह कोई कहानियां नहीं है अगर आप पुराने संत महात्माओं के जीवन में जाएंगे तो आप वहां पाएंगे किस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि वो जो ईश्वर है ना वो, वो एक ऐसी शक्ति है जिस... जिसने पूरी दुनिया बनाई है तो दोस्तों यदि आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो आप सोचिए कि ये छोटी मोटी चीजें जो चल रही हैं ये आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगी आपके साथ वो विधाता खुद खड़ा होता है खुद साथ रहता है पल पल तो दोस्तों ये हमारा मकसद है लेकिन इस मकसद से हम बहुत दूर हैं इतना दूर कि इस तरफ कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता हम करते क्या है बस पूरे दिन के अंदर मुश्किल से पांच दस मिनट हम अपना पूजा पाठ में देते हैं और उसमें भी हमारा ध्यान पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है और फिर हम अपने काम धंधों में लगे रहते हैं तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है हमें स्पिरिचुअल फेस पर ध्यान देना है वो ही रियालिटी है अगर आपको कुछ मिलेगा तो वही मिलेगा आप अपने जीवन में सारे काम कीजिए सब कुछ करिए लेकिन इसके साथ साथ इस चीज को मिस मत करिए इस चीज से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप अपनी सारी समस्याओं से बहुत हद तक बाहर आए हुए महसूस करेंगे और ये छोटी छोटी चीजों पर छोटा छोटा लालच और छो, छोटा छोटा ये मतलब जो हमारे दिमाग में होता है ईर्षा क्रोध दूसरे से बदले लेने की भावना ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी और आप इतने साफ सुथरे बन जाएंगे कि आपको जीवन जीने में भी अलग ही आनंद आने लगेगा फिर फिर आप किसी से सेवा करवाना नहीं चाहेंगे बल्कि लोगों की सेवा करना चाहेंगे और दोस्तों फिर किसी को दिखाने के लिए नहीं वास्तविक रूप में आपके मन से यह भावना उपजेगी और इसके बाद दोस्तों सब कुछ बदल जाएगा जीवन में रही परेशानियों की बात तो वो ईश्वर जो सब कुछ कर सकता है जो इतनी बड़ी दुनिया को इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है उसके लिए ये छोटी छोटी परेशानियां क्या है दोस्तों अगर दोस्ती करनी है तो नीचे के लेवल वाले से क्यों करें उस ऊपर के लेवल वाले से करते हैं ना जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है क्योंकि अगर आपकी दोस्ती उस टॉप लेवल वाले के साथ है तो ये नीचे बैठे हुए लोग आपका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सत्ता तो उसकी चलती है दोस्तों मैं वीडियो तो आपके लिए ला रहा हूं मुझे नहीं पता क्योंकि ये पूरी तरह से लीगल पहलू से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन बस ये सोचते हुए मैं इस वीडियो को ला रहा हूं कि अगर कुछ लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है कुछ कुछ लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि भाई दूसरे से ईर्ष्या रख के दूसरे से बदले की भावना में या दूसरे को मजा चखाने के लिए जो हम केसेज कर रहे हैं ना करें तो बहुत सारे केसेज खत्म हो जाएंगे न्यायालयों के ऊपर जो अननेसेसरी केसेज का दबाव है वो हट जाएगा और उन अननेसेसरी केसेज की फाइल के नीचे वो फाइलें दबी रह जाती हैं जिन्हें वास्तव में न्याय की आवश्यकता है

तेज भी हो सकती है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर